हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। फिर आज है डे टू, और डे टू इन जीबी। और अभी हम अपने रूम में रुके हुए हैं, यहाँ से रेडी होके अब हम निकल रहे हैं जीबी एक्सप्लोर करने के लिए। कल हमने किया है, कल का ब्लॉग आपने देखा ही होगा। कल हमने जलोड़ी पास और सिर्लोस्कर लेक का ट्रैक किया है। वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज था, पर आज का वेदर जो है वो काफ़ी प्लीजेंट है। धूप निकली हुई है अच्छी खासी, और ठंड भी नहीं लग रही है। कल तो बहुत ज़्यादा ठंड से बुरा हाल था। अभी आज हम जा रहे हैं जीबी वाटरफॉल, सैनिकोटी, चोई वाटरफॉल, और भी मिनी थाईलैंड है, एक काफ़ी फेमस स्पॉट है। और देखते हैं और कहां कहां जाते हैं, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज हम फिर यहां से निकलते हैं। बाकी ये जो रूम लिया हुआ है, ये रूम बिल्कुल एक रिवर साइड कैंप है। इसका नाम भी रिवर टच है, रिवर टच होम स्टे। बिल्कुल मतलब फूड क्वालिटी ऑसम थी। रात को हमने खाना खाया, और इसकी एक खास बात ये है, ये पीछे रिवर सच में बह रही है, और इसकी प्लीजेंट सी साउंड पूरी रात रूम में आती रही है। थोड़ा डिस्टर्ब भी होते रहे, पर मज़ा भी बहुत आया। मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ ठहर के, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है। तो डेस्टिनेशन तो हमारी शुरू होगी, अभी हम आ गए हैं ये कुली कतांदी दीरा री आल। इसकी लोकेशन जो है ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जीबी, और ये इसका बोर्ड कुलीट दांदी दीरा का वाटरफॉल। और ये थोड़ा मुश्किल ट्रैक है जो करके वो नीचे जाना है। अब वहाँ हम जाने लगे हैं नीचे का, ये जा रहे हैं हम वो नीचे कुली की तांडी। उसमें है रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मतलब रास्ते के नाम पे कुछ नहीं है, बस एट योर रिस्क यू हैव टू गो। काफ़ी नीचे उतर के है, बस ये है जगह। कितना दूर है? बस थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। थोड़ी दूर है, पर उतर के अभी थोड़ा देखो कैसे जाना है। यहाँ पे ये देखो स्टीप कितना ज़्यादा है। और ये जो आल्सो मिनी थाईलैंड के नाम से जाता है, उधर पहुँच रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कितना नैरो रास्ता हो गया दो पहाड़ियों के बीच में, इसमें से जाना है हमें। आगे देखते हैं क्या है। और ये रास्ता, और जाओ तो अभी आप ठीक करें। ये है मिनी थाईलैंड कुली की तांडी, जो कि यहाँ का फेमस स्पॉट है। जीबी या तीर्थन वैली में आप कभी भी आ रहे हैं, 5 मिनट की हाइक है, ऊपर रोड से नीचे आना है 5 मिनट की, और उसके बाद जो आपको ये व्यू दिखेगा सीनियर वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटरफॉल और फ्लोइंग वाटर, बिल्कुल अल्टीमेट व्यू है। आप यहाँ आके फोटो कैप्चर करें, थोड़ा सीनरी का इंजॉय लें, बहुत ऑसम व्यू है। पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मिनी थाईलैंड से वापस आके अभी हम जा रहे हैं, ये हम पहुंच गए हैं जीबी वाटरफॉल। एक्शन है जीबी वाटरफॉल का, ये टिकट है
कितने रुपए टिकट है? 20 रुपए। 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और ये बोर्ड है जीबी वाटरफॉल एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है जीबी वाटरफॉल। और इधर हमने इसका जाने लगे हैं। और जो इसका व्यू है, ये छोटे छोटे प्यारे से पुल देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जीपी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर अप्रॉक्स का ट्रैक करना पड़ता है जो कि हमने शुरू कर दिया है और जा रहे हैं। भीड़ भाड़ लग नहीं रही है, मौसम प्लेजेंट सा हो रखा है, थोड़ी धूप है। तें तें तें। और ये देखो पेड़ ही काट के बना दिया रास्ता। और ये छोटे छोटे ब्रिज। ये सामने है जीवी वाटरफॉल। ये छोटे छोटे नहीं, इसके बैक साइड में अभी पहुंच रहे हैं। देखते हैं क्या व्यू है। ओहो, वाटरफॉल तो बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। वाओ, पानी कम है पर वाटरफॉल बड़ा है। यू कैन सी, ये मेरे ठीक पीछे जीबी वाटरफॉल। और ये हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है नीचे से, जहाँ गाड़ी पार्क होती है। और वाटरफॉल जो है काफ़ी बड़ा है, हालांकि पानी कम है पर काफ़ी सुंदर है। दिखाता हूँ आपको, देखो दिस इज द वाटरफॉल और काफ़ी बड़ा है। ये जीबी वाटरफॉल के ठीक सामने हम अभी आए, एक जीबी वाटरफॉल कैफे बिल्कुल सामने है। और इसका व्यू दिखाते हैं। तो आज हमारी तीसरी डेस्टिनेशन है बालूनाग टेंपल, जो कि लोकेटेड है बाहु विलेज में। ये है फर्स्ट, हमने आज किया चोई मिनी थाईलैंड जो था, और उसके बाद दूसरा हमने जीबी वाटरफॉल। और जीबी वाटरफॉल से ही जो रास्ता आगे को जा रहा है वो जा रहा है बाहु विलेज को है, जो जीबी वाटरफॉल से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और वहाँ से यहाँ तक ही गाड़ी आ पा रही है, यहीं पे गाड़ी पार्क करके। आपको ऐसा रास्ता है 2 किलोमीटर का, कहने को तो गाड़ी भी जा रही है पर आगे जाना थोड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है, आ भी रही है। तो 2 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, तो देखते हैं गाड़ी आती देख के। अब हम भी अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े हैं। 1 किलोमीटर तक कह रहे हैं कि गाड़ी जाएगी, पर रास्ता है कंजस्टेड सा ही। अभी जा रहे हैं, देखते हैं अगर आप गाड़ी ठीक ठाक चला लेते तभी आना, क्योंकि है रास्ता थोड़ा टिपिकल रास्ता है। और बारिश हो तो उसमें बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कच्चा रास्ता है, मड में फंसने के चांसेस हैं। कि जो व्यू है रास्ते में आप देख ही रहे हैं, कितना प्यारा और सुंदर सा व्यू, लश ग्रीन पाइन ट्री के बीच में से ये रास्ता, मतलब भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। चलो देखते हैं आगे। ये बालूनाग टेंपल के लिए गाड़ी हम और आगे ले आए हैं,
और यहाँ से अब हमारा ट्रैक स्टार्ट है, 1 किलोमीटर का है, बाकी आगे देखते हैं कैसा ट्रैक है। अभी बाहू विलेज में जो बालू नाग टेम्पल है उसका ट्रैक करीब 1 किलोमीटर से कम है, उसका ट्रैक करके अभी ये पहुंच रहे हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल पाइन ट्रीज के बीच में एक प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ दिख रहा है जो दूर से, अभी जाके आपको दिखा। और ये 1 किलोमीटर से कम का ट्रैक करके हम पहुंच गए हैं ये बालू नाग टेम्पल, जो कि ये बहुत ही मतलब खूबसूरत मिडाहो के अंदर है। ये पूरा पाइन ट्री से घिरा हुआ चारों ओर और बीच में ये मंदिर बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा व्यू है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अल्टीमेट। बालू नाग टेम्पल, इसकी लोकेशन देखिए, एकदम पाइन ट्री के बीच में एक परफेक्ट छोटा सा मिडाओ और पूरा परफेक्ट व्यू, और बहुत ही सबसे बड़ी बात इसकी पीसफुल माइंड फ्रेश करना। मेन रोड से इधर के लिए रास्ता कोठी चैनी।